प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर उसके समाधि पर उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। एक विशेष जाति का नाम लेकर मुनादी करवाने वाले प्रधान और ढोल बजाकर मुनादी करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को भारी पड़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आई, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना चट्ठाबल के अंतर्गत पावटी खुर्द गाँव का है। मुनादी का यह वीडियो बीते सोमवार का है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पावटी खुर्द में खुलेआम मुनादी हो रही है। कोई भी चमार उसकी ढोल समाधि ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5,000 रुपये जुर्माना और 50 जूते होंगे। हिंदू बनने का जिनको शौक चढ़ा था उन्हें अब समझ आ गया होगा, वैसे इनकी गलतफहमी दूर करने में जल्द पावटी जाऊंगा। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जल्द पावटी पहुँचने की बात भी कही है। और वहीं यदि कार्यवाही की बात करें तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने बताया कि इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना चरथावल के अंतर्गत पावटी खुर्द गाँव में राजवीर नाम के व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को राजवीर प्रधान के नाम से बुलाता है, एक गैर कानूनी व आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी करी गई व मारपीट की बात करी गई, जिसमें उस व्यक्ति व उसके एक साथी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद।